आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर मटर टमाटर आलू की मिक्स सब्जी। ये बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी होती है। ये देखिए, मैंने आलू गाजर लिए हैं, इनको गोल गोल छील कर पीसेस काट लिए हैं। आलू लिए हैं, इनको भी छील कर पीस काट लिए हैं। मटर लिए एक कटोरी, हरी मिर्च लिए, टमाटर लिए दो, और हरा धनिया लिया। तो हम सबसे पहले कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। हम गैस को तेज कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। देखिए, एक आधी चम्मच जीरा। अब इसको जीरे को तड़कने देंगे थोड़ा सा, फिर हम इसमें आलू डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, आलू डालेंगे। आप हरी मिर्च डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालिए। मैंने हरी मिर्च डाली है, 2 से 3 हरी मिर्च हैं। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आलू को हमें अच्छे से पकाना है। इसमें थोड़ा हमारा आलू पक जाए, आधा पक जाए, जब हम इसमें गाजर डालेंगे। इसको हमें इसी तरह मिलाना है। इसमें थोड़ी 2 मिनट के लिए आलू को ढककर रख देना है। इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ा सा। और अब हम इसको ढककर रख देंगे। हमारे आलू इसमें पक रहे हैं। ये देखिए, हमारे आलू पक गए हैं आधे। अब इसमें मैं गाजर डालूंगी, सारी गाजर डालना है। फिर इसको हम मिलाएंगे अच्छे से, इस तरीके से। अब मैं इसमें मटर डालूंगी, टमाटर डालूंगी। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये सब्जी। ये भी हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूंगी, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है जो बाद में डालूंगी। अब इसमें देखिए, इसको अच्छे से मिलाना है हमें, इस तरीके से। और हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, तो हल्दी पाउडर, धना आधी चम्मच, और थोड़ी सी हरी मिर्च, लाल मिर्च सॉरी, थोड़ी सी लाल मिर्च चुटकी भर। ज़्यादा आप स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, और स्वाद अनुसार नमक। आपके टेस्ट के अनुसार नमक डालिए। देखिए, इसमें मैंने प्याज लहसुन कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ जीरे से बनाया है, हरी मिर्च जीरे से। आप हरी मिर्च अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च भी ना डालिए। देखिए, अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकने रख देंगे, ढककर धीमी आंच पर। ये देखिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार है, गर्मा गर्म। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है सब्जी, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है और सब्जी भी लाजवाब बनी है। ये देखिए, हमारी गर्मा गर्म मटर आलू गाजर की सब्जी, चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत हेल्दी होती है, और शेयर करिएगा।